इधर देखिए आप लोग, 6 महीने के अंदर 48% का रिटर्न, 6 महीने के अंदर 48% का मैसिव रिटर्न, आप समझ सकते हैं 6 महीने के अंदर 48% का रिटर्न। इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड इस वीडियो को शेयर कर दो। ऐसे बहुत सारी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा हूँ, मैं बताता हूँ कब आपको एंट्री करना है, कब क्या करना है। अभी देखो जो ये स्टॉक है, अभी ये आपको कितने परसेंट के डिस्काउंट पे मिला है, 6% के डिस्काउंट पे मिला है। अभी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, अभी भी आपके पास ये मौका है। अभी ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, अभी ये स्मॉल कैप का कंपनी का स्टॉक है, स्मॉल कैप कंपनी का ये स्टॉक है, आने वाले कुछ समय के अंदर ये मल्टी बैगर स्टॉक बन के निकलेगा। अभी तो ये मल्टी बैगर बन चुका है, बट और ज़्यादा मल्टी बैगर बनेगा ये स्टॉक। जब भी आपको ये स्टॉक डिस्काउंट पर मिले तो जरूर इसमें बाय करें आप। और मैं बात करूँ 1 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर 44% का रिटर्न मिल रहा है। मैं अप्रैल में ही बता रहा था, अप्रैल मार्च में ही आपको बता रहा था कि इस स्टॉक में आप एंट्री कर लो, जब ये स्टॉक आपको डिस्काउंट पे मिल रहा था, 22% के डिस्काउंट पे मिल रहा था ये स्टॉक, तभी मैं आपको बोल रहा था इसमें सारे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, आप भी लगा लो। बट आपने मेरी बात नहीं सुनी, फिर भी अभी आपको ये स्टॉक कम से कम कितने के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आप लोग इधर देख सकते हो 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आप इसमें बाय कर सकते हो। एंड मैं बात करूँ 5 साल के अंदर, तो 5 साल के अंदर आप लोग इधर देख सकते हो 564% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया, 564% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया 5 साल के अंदर, और आने वाले समय में ये और ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगा। एंड मैं बात करूँ तो स्टॉक का जो प्राइस है, आप लोग इधर देख ही सकते हो, जो स्टॉक का है 1596 रुपया, ऑलमोस्ट 1600 रुपया आप मान सकते हो, तो 1600 का एक स्टॉक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड मैं बात करूँ मार्केट कैप का, तो 22 लाख करोड़ रुपया है, 22,000 करोड़ रुपया, सॉरी 22,000 करोड़ रुपया है। एंड बाउंड वीक में जो हाई बनाया था ये स्टॉक 1715 रुपया बनाया था, एंड बाउंड वीक में जो लो था इसका वो 988 रुपये का लो था, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा ये स्टॉक। एंड जो इस स्टॉक का नाम है, तो वो आप लोग इधर देख सकते हो, एफएल इंडिया करके है, आप मान सकते हो ये इंडिया की कंपनी एफएल इंडिया करके। ये क्या करती है, जो ये नेटवर्किंग होता है, ये क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग जो होता है वो उसको ये संभालती है, तो आने वाले समय में आपको पता ही इन सबको कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है इस तरह की कंपनी को, तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा फर्दर रिसर्च आप भी कर लेना।